नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ पूर्ण। राज्य सरकार के विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा कराने के मामले में हुई सुनवाई। बिहार में बाढ़ से 200 से अधिक गांवों की क्षति रिपोर्ट आपदा विभाग ने केंद्र को भेजा। व्हाट्सएप के फीचर में हुआ ये बदलाव। हीरा मंडी के प्रीमियर पर सोनाक्षी सिन्हा अपनी मां और संजय लीला भंसाली के साथ आई नजर। यात्री प्लेन के जमीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की जाने वजह। आईपीएल 2024 में आज डीसी और एमआई वो लखनऊ और राजस्थान की टीम के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबी ने 660 पदों पर निकाली भर्ती। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 660 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती आईबी में ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर राजपत्रित रैंक या पदों पर काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित योग्यता और अन्य जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना को भी देख सकते हैं। साथ ही भर्ती से संबंधित सटीक जानकारी के लिए इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। यहां दूसरे चरण में बीते दिन 5 सीटों पर मतदान हुआ। राज्य के दूसरे चरण में मतदाताओं के बीच उत्साह देखने को मिला है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण के मुकाबले इस बार अधिक मतदान हुआ। दूसरे चरण में बिहार में करीब 55% मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। यही कारण है कि इस बार मतदान के प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद 50 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गया है। पूर्णिया में लगभग 60% वोटिंग हुई है। कटिहार में सबसे अधिक लगभग 65% वोटिंग हुई। वहीं किशनगंज में लगभग 64% मतदान हुआ, तो साथ ही भागलपुर में लगभग 51% और बांका में लगभग 54% वोटिंग हुई। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे लौरिया नंदनगढ़ के बारे में। यह स्थान बिहार के पश्चिम चंपारण में बेतिया से 28 किलोमीटर दूर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम चंपारण में स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे देखने के लिए कई पर्यटक पहुंचते हैं। यहां पर आपको 3 पंक्तियों में 15 स्तूप टीले देखने को मिल जाएंगे। यहां से थोड़ी ही दूर पर आपको अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ भी देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 32 फीट से भी अधिक है, जो पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर का एकल खंड है। इस स्थान पर आपको इतिहास से जुड़ी कई चीजें जानने को मिलेंगी। पटना हाईकोर्ट ने सभी लॉ कॉलेजों के शिक्षकों की योग्यता का मांगा ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की दयनीय हालत पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंड पीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान 27 लॉ कॉलेजों के संबंध में बीसीआई विस्तृत ब्यौरा देने का आदेश दिया है। बीसीआई को शिक्षकों की शैक्षणिक ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति मांगी गई थी। वहीं बीसीआई इस कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्था में कमियां बताई है। कोर्ट ने कहा है कि ये सारी कमियां दूर कर ली जाती है, सत्र 2024-25 के लिए अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार के विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के मामले में हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए जाने के मामले में सुनवाई की है। रंजीत पंडित की याचिका पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंड पीठ ने अकाउंटेंट जनरल को इस संबंध में पूरा ब्यौरा देने का आदेश दिया था। इसके 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई हुई है। इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया। इस मामले में अब 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। यात्री प्लेन के जमीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की जाने वजह।
यात्री प्लेन का सफर तय करना अधिकतर लोग खूब पसंद करते हैं। इसका कारण यह लंबी दूरी के सफर को कम समय में तय करने में मदद करता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार देश में रोजाना 6000 से अधिक फ्लाइट्स आसमान में उड़ती हैं। विमान आमतौर पर 31000 से 42000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है। इसका मुख्य कारण ईंधन दक्षता को अधिकतम करना, वायु प्रतिरोध को कम करना, हवाई यातायात से बचना होता है। इसके साथ ही हवा में उड़ते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है। टेक ऑफ करते समय विमान ऊंचाई पर जाने के बाद उड़ान भरता है। इसका कारण है कि अधिक ऊंचाई पर वायु घनत्व कम होता है, इसके कारण प्रतिरोध कम होता है। इस कारण कम ईंधन जलते हुए तेजी से विमान उड़ सकते हैं। पटना में बच्चों के लिए किलकारी समर कैंप का होगा आयोजन। गर्मियों के मौसम में बच्चों के समर कैंप से जुड़ने के बाद उन्हें कई चीजें सीखने को मिल जाती हैं। इसे देखते हुए पटना में किलकारी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कल से होगी। 28 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के पसंदीदा रेन डांस से समर कैंप का उद्घाटन होगा। इसमें बच्चे 70 से भी अधिक एक्टिविटी में भाग ले सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। 18 दिनों तक चलने वाले इस समर कैंप में 9 राज्यों के 12 कलाकार बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। यहां पर बिहार की लोक नृत्य से लेकर केरल की लोक नृत्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। व्हाट्सएप के फीचर में हुआ ये बदलाव। व्हाट्सएप के फीचर में फिर से बदलाव किया गया है। अब इस ऐप में सिर्फ एक कलर ही नजर आएगा, खासकर iOS यूजर के लिए। व्हाट्सएप अब बदले हुए रंग के साथ नजर आएगा। iOS यूजर को व्हाट्सएप ब्लू रंग का नजर आता है, लेकिन अब उन्हें ये एंड्रॉयड यूजर की तरह ही हरा रंग का दिख रहा है। वही रंग का ये बदलाव सभी यूजर्स को नहीं दिख रहा है। ये बदलाव ऐप को अपडेट करने के बाद ही नजर आ रहा है। कंपनी ने इसे रोल आउट किया है। यह धीरे धीरे सभी को नजर आएगा। बताया जाता है कि ब्रांड के कलर को मैच करने के लिए कंपनी की ओर से ये बदलाव किया गया है। यूजर्स को कुछ बटन और आइकन भी अलग तरीके के नजर आएंगे। पटना अगलगी मामले में दो होटल मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज। पटना अगलगी मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके बाद दो होटल मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में अभी 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 6 लोगों की जान चली गई है। इस मामले में पटना के जिलाधिकारी ने 24 घंटे में अग्निशमन पदाधिकारी को रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। वहीं अब जांच की प्रक्रिया के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। पटना सदर अंचलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कोतवाली थाने में FIR के लिए आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने होटल के मालिक के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। दो होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया गया है कि वैकल्पिक रास्ता होने पर लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हीरा मंडी के प्रीमियर पर सोनाक्षी सिन्हा अपनी मां और संजय लीला भंसाली के साथ आई नजर। संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार का OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह सीरीज 1 मई को दर्शकों के बीच रिलीज हो जाएगी। इसके प्रीमियर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सलमान खान, आलिया भट्ट सहित बॉलीवुड के बड़े सितारे पहुंचे। बिहार की सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरों को शेयर किया है। इसमें वह अपनी मां पूनम सिन्हा, संजय लीला भंसाली, मनीषा कोइराला, सरमन सहगल, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, ताहा शाह जैसे कलाकारों के साथ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की कौन सी फिल्म आपको सबसे अधिक पसंद है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बिहार में बाढ़ से 200 से अधिक गांवों की क्षति रिपोर्ट आपदा विभाग ने केंद्र को भेजा। बिहार में पिछले साल आई बाढ़ से राज्य के 6 जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इन जिलों में बाढ़ से क्षति और सहायता की अंतिम रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र और NDM को भेजी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुपौल जिले में 1,22,000 और सहरसा में 1,63,000 लोग प्रभावित हुए थे। सुपौल में 485 झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं पूर्णिया में 252 झोपड़ियां गिर गई थी। सुपौल में 24,634 परिवारों को मुआवजा के तौर पर 7,000 की दर से 17,05,00,000 रुपए का भुगतान हुआ है। सहरसा में हजारों परिवारों के बीच 22 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
पिछले साल बिहार में 6 जिले बाढ़ की चपेट में आए थे। इसमें किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया शामिल हैं। प्रदेश में इन जगहों पर आज बारिश की संभावना। प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों का तापमान तो 42 डिग्री के पार जा चुका है। इसके अलावे तेज पछुआ हवा के कारण लोगों का हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में आज लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है। बिहार प्रदेश में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास और भभुआ में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अन्य जगहों का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया और सुपौल में लू को लेकर तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है। दिल्ली से पटना लैंडिंग के बाद ही विस्तारा के विमान में आई खराबी। बीते दिन दिल्ली से पटना लैंडिंग के बाद विस्तारा के विमान के इंजन में खराबी आ गई। विस्तारा की फ्लाइट UK 717 में अचानक खराबी आ गई। इसके बाद विमान की जांच के दौरान इंजन की खराबी की बात सामने आई है। इसे ठीक करने के लिए मुंबई से इंजीनियर को बुलाया गया। वहीं विस्तारा की फ्लाइट में गड़बड़ी आते ही लोग परेशान हो गए। पैसेंजर्स को जब विमान में खराबी की बात की जानकारी हुई तो वह हैरान हो गए। इसके बाद उन्हें भेजने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार पकड़ी गई अधिक शराब। बिहार में शराब बंदी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। साल 2019 के चुनाव में आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद 73,693 लीटर शराब पकड़ी गई थी। इस बार अब तक 3,08,488 लीटर शराब को जब्त किया गया है। मालूम हो कि अब तक दूसरे चरण का ही मतदान बिहार में खत्म हुआ है। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 4 गुना अधिक शराब को पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार इसका बाजार मूल्य 7,24,00,000 रुपए है, जबकि पिछली बार पकड़ी गई शराब की कीमत 2,57,00,000 रुपए थी। पटना के वोटर्स गंगा किनारे इंडियन वोटर्स लीग में लेंगे भाग। पटना के वोटर्स गंगा किनारे चौके और छक्के लगाएंगे। यहाँ पर वोटर्स के लिए इंडियन वोटर्स लीग का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा IVL का आयोजन हो रहा है। गंगा किनारे दीघा घाट पर वोटर्स मैच खेलेंगे। मालूम हो कि 1 जून को पटना में लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। इंडियन वोटर्स लीग में नए वोटर्स, महिला वोटर्स, दिव्यांग वोटर्स, युवा वोटर्स, बुजुर्ग वोटर्स आदि की टीम रहेगी। इस खेल के लिए यहां पर 500 से अधिक लाइट लगाई जाएगी। साथ ही 15 दिनों के लिए इसका आयोजन होगा। राबड़ी देवी का बयान, जयप्रकाश नारायण ने रखा था मीसा भारती का नाम। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम जयप्रकाश नारायण ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बीते 24 अप्रैल को भागलपुर में कहा था कि मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट कानून के नाम पर मीसा भारती का नाम रखा गया है। इसका राबड़ी देवी ने जवाब दिया है। साथ ही राबड़ी देवी ने अपने आवास पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। इस दौरान पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती और सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य की जीत की कामना की है। बिहार में PM नरेंद्र मोदी ने राजद पर साधा निशाना। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुंगेर और अररिया पहुंचे। मुंगेर में PM नरेंद्र मोदी ने NDA के प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं अररिया में PM मोदी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजद जनता का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। PM मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। बिहार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। राजद और इंडिया गठबंधन को न ही देश के संविधान की परवाह है और न ही देश की परवाह है। इन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का अधिकार छीना है। पोलिंग बूथ को लूट लिया जाता था, बैलेट पेपर को लूटा जाता था। ये अब EVM को लेकर जनता के मन में भ्रम फैला रहे हैं। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर दिया ये बयान।
भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वह पवन सिंह को मना लेंगे। वहीं अब इस पर पवन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी मां के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में हैं। किसी भी कीमत पर वह पीछे नहीं हटेंगे और काराकाट की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने कहा है कि उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है। पवन सिंह ने कहा कि जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और काराकाट से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। IPL 2024 में आज DC और MI वो लखनऊ और राजस्थान की टीम के बीच होगा मुकाबला। IPL 2024 में आज DC और MI वो लखनऊ और राजस्थान की टीम के बीच मुकाबला होगा। राजस्थान रॉयल्स IPL के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच खेलेगी। राजस्थान की टीम ने 8 मैचों में से 7 में जीत दर्ज की है, वहीं लखनऊ ने 8 मैचों में 5 में जीत हासिल की है। ये अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर दिल्ली की टीम मुंबई की टीम से भिड़ने जा रही है। मालूम हो कि दिल्ली और मुंबई की टीम के बीच अब तक 34 मैच खेले गए हैं, इसमें से 15 में से दिल्ली ने जीत हासिल की है, तो मुंबई की टीम ने 18 मैच अपने नाम किए हैं। इसलिए आज के मुकाबले में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। IPL 2024 में आज DC और MI वो लखनऊ और राजस्थान की टीम के बीच होने वाले मुकाबले में आपके अनुसार किस टीम का मुकाबला सबसे दिलचस्प होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन यानी 27 अप्रैल वर्ष 2010 में UIDAI ने भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को नया ब्रांड नाम आधार तथा नया लोगो पेश किया था। आज के ही दिन वर्ष 2017 में हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना दुनिया को अलविदा कह दिए थे। आज के ही दिन वर्ष 1526 में मुगल शासक बाबर दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह बना था। आज के ही दिन वर्ष 1912 में अभिनेत्री और नृत्यांगना जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1920 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मणि भाई देसाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। आज के वायरल खबर में बात करेंगे गाड़ी के पेट्रोल टैंक में फुल करवाने को लेकर किए जा रहे दावे के बारे में। इन दिनों गाड़ी में पेट्रोल टैंक फुल करवाने को लेकर दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने पर टैंक में ब्लास्ट हो सकता है। बता दें कि यह दावा एक कथित नोटिस के जरिए किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को कम से कम दिन में एक बार खोलने की सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए भी वायरल हो रहे इस नोटिस की तस्वीर को शेयर किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल फेसबुक पेज पर 9 अप्रैल वर्ष 2022 का इंडियन ऑयल के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट मिला। इस पोस्ट के जरिए बताया गया था कि गाड़ियों में फ्यूल टैंक को फुल करवाना पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए इस तरह के फर्जी खबर पर बिना किसी सत्यता के विश्वास ना करें। सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान के साथ हुए बंद। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नुकसान के साथ बंद हुए हैं। वहीं मिड कैंप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। बीते दिन बाजार की अच्छी शुरुआत हुई थी। वहीं सुबह के 10 बजे के बाद बाजारों के दो सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी काफी गिर गए। सेंसेक्स टूटकर 73,650 के नीचे पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.67% यानी 150.40 अंक टूटकर 22,419.95 पर बंद हुआ है। JEE एडवांस के लिए आज से करें आवेदन। JEE एडवांस के लिए आज से आवेदन किया जा सकता है। JEE मेंस के आधार पर एडवांस पात्रता कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले छात्र एवं छात्राएं वेबसाइट JEE एडवांस पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण ही एडवांस की पात्रता का कट ऑफ भी बढ़ चुका है। मालूम हो कि आज शाम 5 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अंतिम तिथि 7 मई निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा के टॉप 2.5 लाख विद्यार्थी JEE एडवांस में शामिल होंगे। बताया जाता है कि इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है, इस कारण पात्रता का कट ऑफ बढ़ चुका है।
पटना जिला क्रिकेट अंडर 16 के तारीखों की हुई घोषणा। पटना जिला क्रिकेट संघ संचालन समिति के चेयरमैन राजेश कुमार और सदस्य रहबर आबदीन की ओर से पटना जिला क्रिकेट अंडर 16 की तारीखों की घोषणा की गई है। सिलेक्शन ट्रायल की तिथि के साथ ही स्थल की घोषणा कर दी गई है, साथ ही महिला क्रिकेट टीम की सभी आयु वर्ग के बारे में भी जानकारी दी गई है। दोनों सिलेक्शन ट्रायल को लॉ मार्टिनियर वर्ल्ड स्कूल परिसर में चलाने की बात कही गई है। बिहार क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड में इसका आयोजन होगा। अंडर 16 बालिक वर्ग का सिलेक्शन ट्रायल 27 अप्रैल को होगा, वहीं महिला वर्ग का सिलेक्शन ट्रायल 29 अप्रैल को होगा। सुबह के 8 बजे से इसका आयोजन होगा। खिलाड़ियों को अपने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के साथ आना होगा। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से की ये अपील। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी कई बार बिहार आ चुके हैं। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। उस दौरान मैंने ही मोदी का प्रचार किया था। आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं, उनको वोट देते हैं और हमसे कहते हैं कि आपको पता है मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। लेकिन मोदी के आने से घरेलू गैस सिलेंडर 1250 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल या ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मैलकम आदिसेसिया, ऑप्शन बी पावू लुरी सुब्बा राव, ऑप्शन सी डेनियल नस्टर या ऑप्शन डी आरती नारायण। इसका सही उत्तर है पावू लुरी सुब्बा राव। बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम या ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्व। जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी गौर का राजा शशांक या ऑप्शन डी हूणों का राजन मिहिरकुल। इसका सही उत्तर है गौर का राजा शशांक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अतिक खान, राजेश मांझी, प्रिया राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, रंजीत कुमार, सादुल्लाह पालवी, नौसाद राजा, कृष्णा प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।